दोनों कर को जोड़कर मस्त घुटने टेक, तुझको हो प्रणामम शत शत कोटि अनेक। नत है मेरे देव जी तब सम्मुख मम मात, इसके ऊपर अब सदा रखियो मंगल हाथ। भक्ति का मार्ग विरह का मार्ग है, पीड़ा का मार्ग है, वेदना का मार्ग है, व्याकुलता का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, और अपने प्रेमी को पाने के लिए जो छटपटाहट है उसका अनुभव महाराज ने कहा है, सखियो सुनो सहेलियों, पीड़ा विरह अपार, जाने जो अनुभव करे या जो तेवन हार। प्रेम और प्रेमी को और प्रेम करने वाले को वही जानता, तीसरे को नहीं पता होता है। महाराज ने कहा जाने जो अनुभव करे या जो तेवन हार, या जो देने वाला होता है या जिसको मिलती है ये विरह की पीड़ा। क्योंकि प्रेम की भूमि विश्वास है और प्रेम की आत्मा विरह की पीड़ा है, व्याकुलता है, दूरी है। प्रेमी का हो अंतरा चाहे कोस हजार, तो भी प्रेमी पास है बिना तार समाचार, लेकिन व्याकुलता का मार्ग है। मीरा ने कहा है जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढंडोरा फेंकती प्रीत न करियो कोए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं विरहन ऐसी जली कोयला भई न राख। कहते हैं अगर सच्ची लगन की अगन हो तो उस अगन के प्रज्वलित जो लो है, अगर प्राण पखेरु भी उड़ रहे हों तो भी यही पुकार निकलती है कि कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, मेरे दो नैना ना छेड़ियो, मुहे राम मिलन की आस। गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा है, भगवान ये बड़ा कठिन मार्ग है, मन को कैसे वश में किया जाए। पानी को वश में कर सकते हैं, हवा को वश में कर सकते हैं, शेर को पंजों से पकड़कर, उसके मुंह से पकड़कर, जबाड़े से पकड़कर उसको पकड़ना साधना आसान है, लेकिन मन को साधना बहुत कठिन है। जरा सी बात हो इधर भागता है, जरा सी बात हो इधर भागता है, तो इसको कैसे वश में किया जाए। तो तेरहवें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मन को वश में करने के लिए केवल एक ही तरीका है, और वो दो साधन कहे हैं, एक अभ्यास और एक वैराग्य। अभ्यास कैसे है? अभ्यास का महाराज ने कहा है, राम नाम आराधिए, भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगना चाव। इसका अभ्यास करना है, नित्य निरंतर करना है। क्या? देव दया अवतरण का धार चौगना चाव। जब मन इधर उधर भटकने लगे तो मन के अपने को एक चित करके, एकाग्र करके उसको कहना है कि देव दया अवतरण का धार चौगना चाव। बाकी सब तरफ से हटाकर, चिंताओं से मुक्त होकर, चिंता में भटकेगा इंसान है, जो भी चिंता है वो घर की है बैठी है, एक दिन की नहीं है, दो दिन की नहीं है, बरसों की है, चिंता की है बैठी है। किसी की बेटी की चिंता है, बेटी की शादी नहीं हुई, किसी को धन की चिंता है, किसी को धन की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है, जिंदगी है, ग्रस्त है, इसकी चिंताएं हैं। लेकिन चिंता मुक्त होकर थोड़ी देर के लिए राम नाम आराधिए, भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का दार चौगना चाहो कि परमेश्वर की कृपा मेरे पर अवतरित हो रही है और मैं उसे भीगा जा रहा हूँ। महाराज ने क्या, कैसे? जैसे कोई गंगा में डुबकी लगाता है तो उसको कोई बताता नहीं तेरी तरफ जल है चारों तरफ, महसूस करता है कि मेरे चारों तरफ जल ही जल है। पक्षी उड़ता है, पर फैलाता है, तो उसको सहायता मिलती है वायु को उड़ने के लिए, तो कोई बताता नहीं, महसूस करता है कि वायु की सहायता मुझे मिल रही है। ऐसे ही राम नाम आराधिए, भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का
धार चौगुना चाहो कि परमेश्वर की कृपा मेरे पर अवतरित हो रही है, कुछ क्षणों के लिए करना है। सारा दिन तो चिंता में गुजारता ही गुजारता है इंसान, लेकिन कुछ पल के लिए अपने आप को चिंता मुक्त करके, अपने मस्तिष्क में त्राटक करके, निहार के, त्राटक का अर्थ होता है निहार के, अपने इष्ट देव को निहार के आंखें बंद करके और देव दया अवतरण का द्वार चौगुना जाओ। इससे पहला है अभ्यास। अभ्यास करते रहना है जब तक ये स्वभाव न बन जाए। पानी में तैरने के लिए बच्चा जाता है, बड़ा जाता है, घबरा जाता है पानी में जाते, हाय मैं डूब जाऊंगा, हाय मैं डूब जाऊंगा, थक कर हार कर बाहर आके बैठ जाता है। लेकिन वो अभ्यास जिस दिन उसका स्वभाव बन जाता है, बाहर थक के आता है, कहता है भाई मैं 10 मिनट तैर के स्विमिंग करके आता हूँ, मेरी थकावट दूर हो जाएगी, क्योंकि उसका स्वभाव बन गया है। ऐसे ही जाप सिमरन करने में कठिनाई प्रतीत होती है, लेकिन जब हमारा स्वभाव बन जाता है, थके हारे आते हैं, कुछ भी होता है, मन में चिंता होती है, फिक्र होती है और किसी से घबराहट होती है, तो कहते हैं थोड़ी देर जाप कर लूँ, मेरी थकावट दूर हो जाएगी, मेरी घबराहट दूर हो जाएगी। तो पहला अभ्यास है और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं? कोई कछु कहे मन लागारे, कोई कछु कहे मन लागारे, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। वैराग्य का अर्थ समर्पण। वैराग्य का अर्थ घर को छोड़ के जाना नहीं, परिवार को छोड़ के जाना नहीं, अपने काम काज को छोड़ के जाना नहीं, अपने गृहस्थ आश्रम को जो भगवान ने ड्यूटी लगाई है उनसे भागना नहीं है, नहीं, हरगिज नहीं है, समर्पण है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि दुनिया में एक में एक होकर, दुनिया से भागना नहीं है, दुनिया के में एक में एक होकर अपने कर्तव्य करता हुआ जो अहम भाव को त्याग देता है वही सच्चा वैरागी है, वही सच्चा त्यागी है। कर्म भी करने हैं, क्योंकि महाराज ने कहा जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए, राम राम कर जाप, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। अपने कर्तव्य कर्म करने, अपने फर्ज निभाने, अपनी ड्यूटीज को निभाना है, सब कुछ करना है, लेकिन अहम भाव को त्याग कर। अहम भाव त्यागना किसे कहते हैं? एक व्यक्ति दान कर रहा था, दान करते हुए लोग आते उसके, हंसते खेलते, क्योंकि सबको अपने यथाशक्ति जो जरूरत होती उनकी पूरी कर रहा था, नाचते गाते हुए जाते और उसकी आंखों से पानी बहता रहता और नज़रें झुकी रहती। तो किसी ने कहा भाई तो अपने सारे मेहनत की, उम्र की, खून पसीने से सींची हुई कमाई जो है वो लोगों में बांट रहा है और लोग खुश हो गए जा रहे हैं, तू रोए जा रहा है, आंखें नीचे की हुई है, ऐसा क्यों? तूने तो अपनी सारी मेहनत, सारी कमाई, खून पसीने की कमाई, सारी संपदा लुटा दी और फिर तो रो रहा है। कहने जो तूने कहा है इसी बात से रो रहा हूँ। देने वाला और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें तासो नीचे नैन। लोग कहते हैं मैंने अपनी कमाई दे दी, मेरे पर भरम करते हैं, ये भ्रम ही मेरी आंखों का पानी का कारण है और इसीलिए मेरी नजरें झुकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। समर्पण कर दिया, चरण पर रख दिया जब मात, तो किस बात की चिंता, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हानि लाभ सब थारो, मैं तो दास कहायो जी। बड़ा कठिन है, बड़े कठिन है डगर पन घट की, कहना तो बड़ा आसान है कि हानि लाभ सब थारो मैं तो दास कहायो जी। अगर दास नौकर अपने आप को मान लिया, उसको मालिक मान लिया, नौकर है वो ठाकुर है हमारा, तो फिर दास कभी उदास नहीं होता और जो उदास होता है वो दास नहीं होता। जो उदास होता है वो समझ लो मैं अपना हक रख के बैठा, मैं करने वाला हूँ, मेरा है, मैं और मेरी दोनों में उलझा हुआ है। लेकिन जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार, योग क्षेम उनका सभी, करते हरि संभार। तो हर वक्त मांगते रहना है मुझे भरोसा राम तू, दे अपना अनमोल,
रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊंगा।